जब मैं स्टडी कर ही रही थी, मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करूं, जिससे मैं इंडिपेंडेंट रहूं, ज़्यादातर अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट ना रहूं, क्योंकि आजकल हर एक लड़की चाहती है कि वो इंडिपेंडेंट रहे, अपने हाथों से कमाए, अपना हुनर होता है कुछ ना कुछ करने का। मुझे हुनर था, मैं घर का काम करती थी, इसलिए मैंने सोचा, मैं घर गई, मैंने वहाँ पर घर वालों के साथ मशवरा किया कि हाँ, ये मतलब एग्रीकल्चर वाले जो है वो हमें सब्सिडी पे पॉली हाउसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने वहाँ पर जो सीनियर थे हमारे, सीसी क्लस्टर कोऑर्डिनेटर है यहाँ पर, मैंने उसके साथ बात की, तो उनने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ आऊँगी। मैं एग्रीकल्चर पर गई, वहाँ पर उनके साथ बात की, जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो मैंने पूरी कर दी, तो उन्होंने मुझे सब्सिडी पर ये पॉली हाउस प्रोवाइड किया, जिससे मैं आज बहुत सारा मतलब अपने लिए बहुत सारा बेनिफिट मतलब फ़ायदा उठा सकती हूँ, मतलब अपनी इनकम जो है मेरी वो मैं इससे मतलब उठा रही हूँ, क्योंकि मैं अब ज़्यादातर डिपेंडेंट नहीं हूँ अपने पेरेंट्स पर। क्योंकि ये तो हर एक लड़की का ये होता है कि मैं इंडिपेंडेंट रहूं, इसलिए मैं अभी पढ़ भी रही हूं, मैं कर रही हूं एमएससी, लेकिन मैंने सोचा कि इसके बाद मैं पढ़ाई ख़त्म करूंगी, उसके बाद मैं क्या करूंगी, तो इससे पहले ही मैंने ये स्टार्ट किया, ये पॉली हाउस, जब तक कि मतलब हर एक ईयर में ये तो बढ़ता ही रहेगा, जब तक मैं स्टडी ख़त्म करूँगी उसके बाद तो ये स्टैंड हुआ होगा। जो उम्मीद थी कि मैं, उसने हमें सिर्फ पॉली हाउस प्रोवाइड नहीं किए, उसने हमें मशरूम यूनिट्स या वगैरह बहुत सारी बुटीक वगैरह वगैरह ये हमें लोन प्रोवाइड करती है, जिससे हम औरतें अपने आप को स्टैंड कर सकते, हम इंडिपेंडेंट रह सकते। करके जो हमारा गवर्नर साहब है, उन्होंने बहुत अच्छा किया, ये जो उम्मीद प्रोग्राम है हमारे, हम हमारी जो औरतें हैं उनके लिए ये फाइनेंशियली हेल्प किया, जो उम्मीद स्कीम है वो अनएम्प्लॉयमेंट औरतों को बहुत सारा फाइनेंशियली हेल्प करती है। जो मैं इंडिपेंडेंट थी अपने शौहर पे, तो आज मैं इंडिपेंडेंट हूँ। हमने घर को भी संभाला, हमने बाहर संभाला, हमने बच्चों को संभाला अपनी मेहनत से, क्योंकि हमारे जो शौहर थे वो 4 साल से श्रीनगर में थे, तो हमें कुछ फ़ायदा नहीं मिलता था। आज हमें फ़ायदा मिला है जब मैं इस स्कीम से जुड़ी हूँ, तो हम शुक्रगुजार हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत कुछ मतलब फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की, बहुत कुछ स्कीमें दी, तो हम इन NRLM से भी बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उन्होंने भी हमें बहुत कुछ सीखने को दिया और बहुत कुछ फ़ायदा भी हुआ, बहुत कुछ आगे भी जाकर फ़ायदा मिलेगा। जब मैं इस स्कीम से जुड़ी हूँ NRLM स्कीम से, तो तब से मुझे बहुत ही फ़ायदा मिला है, क्योंकि हम वो नहीं कर सकते थे जो आज हम कर सकते हैं।